स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज के एक नए फ्रेश और ताजा वीडियो में। जी हाँ, आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपके लिए आ चुका है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों को। 50 बड़ी खबरें हैं सिलेक्टेड न्यूज आपके लिए। सीधे बात करते हैं पहले बड़ी खबर की, तो फेसबुक पर नया फीचर सबसे अच्छे दोस्तों को दिखाएगा सबसे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अपने 2 अरब 30 करोड़ यूजर्स के लिए फेसबुक ने अपने न्यूज फीड में फेरबदल किया है और इस फेरबदल के तहत यूजर्स उन दोस्तों को पहले देख पाएंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। उन लिंक को देख पाएंगे जो प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं, यानी कि आपके काम के फ्रेंड्स जो हैं वो पहले नजर आएंगे आपको फेसबुक में अब, है ना। चलिए दूसरी अच्छी खबर है दोस्तों, अब खाएं शाकाहारी अंडा, मूंग की दाल से बनेगा एग, खूबियां जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, देश भर में अंडे का चलन बढ़ रहा है क्योंकि यह सस्ता होने के साथ साथ प्रोटीन का भी अच्छा संसाधन है। डॉक्टर्स भी प्रोटीन की आपूर्ति के लिए लोगों को अंडे खाने की सलाह देते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोग अंडा खाने से थोड़ा सा डरते हैं, परहेज करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मार्केट में जल्दी आपको वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी अंडा देखने को मिलेगा और यह अंडा सामान्य अंडे के जितना ही प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से पूर्ति होगा। अंडा ना खाने वाले लोगों के लिए लिक्विड एग एंड सब्स्टिट्यूट लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह अंडा पूरी तरह से मूंग की दाल से बना हुआ होगा, यानी कि शुद्ध शाकाहारी अंडा होगा, लेकिन प्रोटीन वगैरह इसमें सारे न्यूट्रिशंस जो है वो बिल्कुल असली अंडे जितने सब कुछ अवेलेबल होंगे, तो अच्छी बात है ये। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों, सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की आवाज को बेहतर समझते हैं एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वाले स्मार्ट स्पीकर्स। जी हाँ दोस्तों, है ना कितनी बड़ी अमेजिंग बात, क्योंकि जनरली हम लड़कियों की या फीमेल्स की वॉइस को अच्छा मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के जैसे स्मार्ट स्पीकर्स हैं वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। हाल ही में यूके की ऑनलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी यूगोव के सर्वे में ये बात सामने आई है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण आज है और 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। 19 मई 2019 को उत्तर प्रदेश की 13, चंडीगढ़ मध्य प्रदेश की 8-8 सीटों पर और झारखंड की 3, बिहार की 8 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के साथ ही पश्चिम बंगाल की 13 सीटों सहित टोटल 59 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम और 7वें चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। और इसी चुनाव के साथ ही दोस्तों कई सारे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला EVM में कैद हो जाएगा और 23 मई को जब फाइनली चुनाव के नतीजे आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा राजनेता कितने गहरे पानी में है। इस आखिरी चरण में PM मोदी, रविशंकर प्रसाद, सनी देओल और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई सारे दिग्गज बड़ी बड़ी हस्तियां मैदान में उतरी हैं। अच्छा वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। अच्छा इसी चुनावी सिलसिले के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा वस्त्र पहनकर केदारनाथ धाम की गुफा में पहुंचे और साधना में ध्यान में लीन बैठे नजर आए, इनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट है, तापमान बढ़ा तो VVPAT मशीन में आ सकती है तकनीकी रुकावट, परिणाम मिलाने में आएगी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टेम्परेचर बढ़ने से VVPAT मशीनों की क्रियाशीलता थोड़ी वीक हो जाती है, इसीलिए मतदान केंद्रों पर कूलर की व्यवस्था होना भी जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, इंटरनेट पर मात्र 140 रुपए में बिक रही है आपकी प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की काली दुनिया में आपकी प्रोफाइल बिक्री के लिए अवेलेबल है। खास बात यह है कि न सिर्फ हैकर्स और ठग बल्कि कंपनियां और मार्केट की रिसर्चर भी इस डेटा को खरीद रहे हैं और आपकी प्रोफाइल को एक सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करके बेचा जा रहा है। और आपकी प्रोफाइल की कीमत कितनी है पता, मात्र 140 रुपए, पूरे 150 भी नहीं, है ना। हाल ही की एक बात में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि 3 ग्रुप मिलकर के इंटरनेट के डाटा को सेल कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप भी जरा सावधान रहें और आपकी कुछ ज्यादा ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लोज्ड डेटा को इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह पर ज्यादा शेयर ना करें तो बेहतर है ना। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, कैमरा वॉर, 2021 तक ग्लोबली बिकने वाले 50% स्मार्टफोन में होंगे 3 या उससे अधिक कैमरे। ये भी हाल ही की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2020 तक जितने भी मोबाइल आएंगे दोस्तों उनमें से ज्यादातर आधे से ज्यादा स्मार्टफोन में 3 कैमरे होंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को लेकर अपडेट है, NCERT की किताबें न पढ़ाने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, चुनाव बाद होगी कार्यवाही। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के खत्म होने के बाद सरकार उन स्कूलों की मान्यता रद्द करेगी जो NCERT की किताबों के बजाय महंगी किताबें खरीदने को लेकर बच्चों को बाध्य कर रहे हैं। तो समझ गए, ये नया नियम लागू हो चुका है उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाले विजेता की टीम होगी मालामाल क्योंकि ICC ने बढ़ाई इनामी राशि। जी हाँ, इस बार 30 मई 2019 से ही क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण शुरू हो जाएगा और ऐसे में दोस्तों ICC के मुताबिक इस बार टूर्नामेंट में इनाम के तौर पर कुल $1 करोड़ यानी कि तकरीबन 70.12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आना कितना ज्यादा इनाम। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपकी हर ऑनलाइन खरीदारी पर नजर रखता है गूगल, दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि गूगल कंपनी भी आपके डेटा को कितना यूज करती है। हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ कि आप जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, जो कोई भी, सारी डिटेल्स गूगल अपने पास रखती है। यहाँ तक कि आपके निजी जीमेल अकाउंट पर भेजी गई रिसिप्ट के माध्यम से भी आपके द्वारा ऑनलाइन खरीदारी पर नजर रखी जाती है। समझे दोस्तों, ऑनलाइन फील्ड में जितना सावधान रहें उतना ही बेहतर है। चलिए अगली बड़ी खबर,
पर दोस्तों लोकसभा चुनाव का जो आज सातवां चरण है उसमें 1500 दागी प्रत्याशियों के साथ ही 110 महिलाएं भी शुमार हैं। उन्हीं में कई सारे अमीर और गरीब भी हैं, तो इनकी लिस्ट और डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, इरडा का प्रस्ताव, बीमा कंपनियां मानसिक और आनुवांशिक बीमारियों को भी कवर करें। जी हाँ दोस्तों, बीमा नियामक इरडा ने मानसिक समस्याओं, आनुवांशिक बीमारियों, मस्तिष्क और मनोवैज्ञानिक विकारों को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव दिया है। इरडा का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस मामले में एकरूपता रखनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां इससे जुड़े उत्पादों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इरडा ने यह प्रस्ताव दिया है। तो जिन जिन भी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट और खुशखबरी है दोस्तों। चाहे आपने LIC पॉलिसी ले रखी हो या कहीं से भी बीमा पॉलिसी हो, तो आपके लिए अच्छा अपडेट है ना। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, सेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी, अनोखे अंदाज में नजर आए प्रधान सेवक। जी हां, जब वो केदारनाथ की गुफा में जाकर के ध्यान में बैठे थे दोस्तों, तो उससे पहले वो सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। अलग ही वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, दे दे प्यार दे की धमाकेदार ओपनिंग, पहले ही दिन 10.41 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हाँ, अजय देवगन की जो नई फिल्म रिलीज हुई है दे दे प्यार दे, इसकी कमाई फर्स्ट डे 10.41 करोड़ रही है। भारत में 3100 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड में 3750 से ज्यादा स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज हुई है। ओके, अगली बड़ी खबर दोस्तों, पर्यावरण प्रभाव की रिपोर्ट, लगाए बिना बिल्डरों और खनन कंपनियों को 50,000 वर्ग मीटर तक के प्रोजेक्ट्स की मिलेगी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के इस कदम से पर्यावरणविद एक बार फिर बिफर गए हैं। मोदी सरकार ने बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खान और नए औद्योगिक यूनिट शुरू करने के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करके आदेश दे दिया और इसके तहत अब 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले बड़ी खबर दोस्तों, पिता की संपत्ति में बेटी का बेटे जैसा बराबर हक है, कोई मना नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर हिंदू परिवार में पिता की संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार माना जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बेटे जितना ही बराबर हक है। सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में ही संशोधन करके बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दे दिया है, तो ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगले बड़ी खबर दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन में नौकरी करनी है आपको तो जापानी भाषा जानना जरूरी होगा। 4 जून तक आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस रिक्रूटमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अगली बड़ी खबरें अपन जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की खबरें, सिलेक्टेड ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार की नई स्कीम है तो बने रहेगा हमारे साथ और अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट की तरफ है। तो अगली बड़ी खबर दोस्तों, 6 जून को लॉन्च होगी टोयोटा की नई कार ग्लेंजा, मारुति की इस कार को देगी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, टोयोटा मोटर्स 6 जून को देश में अपनी एक नई कार ग्लेंजा लॉन्च करने जा रही है। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव। तो राहत भरी खबर है, वैवाहिक मांग घटने से 300 रुपए सस्ता हुआ सोना और चांदी की भी कीमतों में कटौती हुई है। सोना 300 रुपए टूटकर सराफा बाजार में 32,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और वहीं चांदी में 25 रुपए की गिरावट के साथ 37,600 रुपए प्रति किलो पर है। चलिए अगले अपडेट में जान लेते हैं आज पेट्रोल डीजल के रेट दोस्तों। तो पेट्रोल की कीमतों में कटौती हुई है, डीजल का दाम वही है और बेसिकली भारत में पेट्रोल का रेट आ गया दोस्तों 70.76 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल का रेट है 66.29 रुपए प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में जानते हैं दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबर है। 22 मई तक जारी रहेगा मौसम का यह कहर, चेतावनी जारी है। जी हां दोस्तों, देश में कहीं कहीं ज्यादातर उत्तरी भारत में हल्के पुल के आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना भी है। 22 मई तक मौसम का इसी क्रम में जारी रहने की संभावना जताई जा रही है और इन राज्यों में शामिल है दोस्तों दिल्ली NCR सहित जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ उत्तरी राज्य जितने भी हैं और साथ में कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में भी यही हाल रहने वाला है। तो वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले अपडेट की दोस्तों। तो भगवान राम की 221 मीटर विशालकाय प्रतिमा के लिए 200 किसानों से खरीदी जाएगी भूमि, जमीन की कीमत करीब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल हमारे देश में भगवान राम की 221 मीटर विशालकाय प्रतिमा लगने जा रही है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। और ये जमीन अयोध्या के मीरापुर दाबा मांझा में स्थित है, इसको खरीदा जाएगा और यहां पर भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, ये है LIC की शानदार स्कीम, साल में 200 रुपए का प्रीमियम भरने पर आपको मिलेंगे कई बड़े फायदे। जी हां दोस्तों, LIC एक अच्छी स्कीम देती है, मात्र एक साल के 200 रुपए आपको जमा कराने हैं। ठीक है, अब समझना इसमें आपको फायदा क्या क्या मिलता है, इस योजना के तहत लाभ क्या मिलेगा आपको। तो यदि इस दौरान सदस्य की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद नामांकित व्यक्ति को 30,000 रुपए LIC की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं यदि एक्सीडेंट के दौरान जान चली जाती है या फिर कोई विकलांगता हो जाती है, तो इसके बाद नॉमिनी को 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यदि आंशिक विकलांगता होती है तो उसको ठीक कराने के लिए 3750 रुपए की राशि दी जाती है। तो इस तरह से आप इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 9वीं से 12वीं में पढ़ते हैं, इस योजना का लाभ लेने वाले सदस्य के कोई भी बच्चे, तो उनको प्रति बच्चे के हिसाब से 100 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाती है और हर 6 महीने में इसका भुगतान कर दिया जाता है। तो LIC की इस 200 रुपए वाली स्कीम का अगर आप भी चाहें तो फायदा उठा सकते हैं।
चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दैनिक भास्कर ऐप पर महा डाउनलोड ऑफर निकला हुआ है, 6 महीने तक पाएं कैशबैक और डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उसका एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं और उसको शेयर वगैरह रेफर करते हैं तो आप इसमें कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। 6 महीने तक ये ऑफर चलने जा रहा है और इसमें आप बुक माई शो पर हर महीने 6 महीने तक 2 मूवी टिकट खरीदने पर देश के किसी भी सिनेमाघर में 100 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा मोबीक्विक पर भी आपको 75 रुपए का कैशबैक मिलेगा रिचार्ज वगैरह बिजली बिल भुगतान पर। तो आप भी चाहें तो भास्कर ऐप के द्वारा ये फायदा उठा सकते हैं। ओके चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सावधान, बाजार में मिलने वाला पका आम कर सकता है आपको बीमार। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो जितने ज्यादातर आम आ रहे हैं इन्हें कार्बाइड से पकाकर बाजार में सजाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिना सीजन के ज्यादा आम ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये केमिकल से पके हुए होते हैं। जब सीजन आ जाता है ना तब नेचुरली मिलते हैं कई जगह पर, लेकिन अभी बिना सीजन के ज्यादातर केमिकल आम होते हैं, मैंगो होते हैं, तो उन्हें ज्यादा ना खाएं तो बेहतर है। ओके चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, माइक्रोमैक्स का बजट स्मार्टफोन i1 लॉन्च हो चुका है। 4,999 रुपए इसकी कीमत है। 5 MP का फ्रंट और रियर कैमरा है। बाकी इसकी डिस्प्ले वगैरह ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, उड़ीसा सरकार लगाएगी 130 लाख पेड़। चक्रवात फेनी में जो 20 लाख पेड़ बर्बाद हुए उनकी जगह पर 130 लाख सरकार उड़ीसा सरकार लगाएगी, तो अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, स्नैपचैट बेबी फिल्टर, मोदी और राहुल के बच्चों जैसे फोटो वायरल हो रहे हैं ना, ये फोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सिर्फ कुछ ही सेकंड में आप भी अपना खुद का बच्चे जैसा फोटो बना सकते हैं। इसके लिए एक खास फीचर लॉन्च किया स्नैपचैट ने अपने एप्लीकेशन में, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, टीवी चैनलों की स्ट्रीमिंग करने वाले एप्स को भी नियंत्रित करेगा ट्राई। जी हां दोस्तों, जिस तरह से डिश टीवी, टाटा स्काई, डीटीएच वगैरह वगैरह को ट्राई कंट्रोल करता ना, उसी तरह से अब टीवी चैनल के जितने भी एप्लीकेशन है जिनमें हॉटस्टार आ गया, एयरटेल टीवी, जियो टीवी, सोनी लिव वगैरह वगैरह, इनके ऊपर भी अब ट्राई के रूल्स चलेंगे, तो आपको फायदा ही होगा। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, अपने ऐप नोटिफिकेशन बंद रखते हैं टिम कुक, इसके पीछे बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, टिम कुक कौन है पता है? एप्पल कंपनी के सीईओ है। वे अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन जितने भी है उन्हें बंद रखते हैं। अब क्यों रखते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप भी इसे जिंदगी में अपनी उतार सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, केदारनाथ धाम के बाद आज बद्रीनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी, ये रहेगा पूरा कार्यक्रम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई की सुबह ही करीब 1.25 घंटे बद्रीनाथ में रहेंगे और आगे की उनकी शेड्यूल और प्रिपरेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत की आधी आबादी इस साइलेंट किलर बीमारी से है अनजान, रहना होगा सावधान। जी हां दोस्तों, भारत में 15 से लेकर 49 आयु वर्ग के केवल आधे वयस्क अपनी डायबिटीज यानी कि मधुमेह की स्थिति के बारे में जानते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त सिर्फ 1/4 लोगों को इलाज मिल पाता है और उनकी रक्त शर्करा नियंत्रण में रहती है। एक नए अध्ययन में ये बात सामने आई दोस्तों कि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी होती है। तो आप भी जरा टेस्ट करवा लें इसको, तो अच्छा बेहतर है। आप अपने मम्मी पापा दादा दादी का जरूर टेस्ट करवा लें, ओके, डायबिटीज का ना। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, अमेजोन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उस पर आरोप है, क्योंकि हिंदू देवताओं की तस्वीर लगे टॉयलेट सीट कवर अमेजोन के ऊपर बेचे जा रहे थे, तो उसी के चलते इस पर केस लगाया गया है। और पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने भी अमेजोन की निंदा की है। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, एप्पल के नए आईफोन्स को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब जो नए मार्केट में आपको आईफोन देखने मिलेंगे उनमें ये टेक्नोलॉजी आएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, HEC में बने मोबाइल लॉन्चिंग पैड से भेजा जाएगा इसरो का चंद्रयान 2। जी हां, 9 से 16 जुलाई के बीच चंद्रयान 2 को मॉड्यूल प्रिपरेशन में लाया जाएगा और ऐसे में करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहां से इसे लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बड़ी खबर है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मोबाइल के जरिए देना होगा टेस्ट, ये होगी पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मोबाइल के जरिए आपको टेस्ट देना होगा। मारुति और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर इसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसकी टेस्टिंग अगले महीने से जाजरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च से शुरू होगी। और इससे होगा ये कुल मिला के दोस्तों कि जब हम RTO में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमसे प्रैक्टिकल गाड़ी चलवा के दिखाई जाती है ना, राइट। तो ऐसे में उसी गाड़ी के वाहन के फ्रंट मिरर पर वो मोबाइल लगा दिया जाएगा और उसमें उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है, समझना बात। इसके बाद लाइसेंस का आवेदक जब वाहन चलाएगा तो सॉफ्टवेयर उसकी गतिविधि के हिसाब से नंबर देगा आपको और उस सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। मोबाइल में फीड किए गए सॉफ्टवेयर से ये तय होगा कि टेस्ट के दौरान आपने वाहन सही तरीके से चलाया नहीं, आपने कितनी गलतियां की, सब कुछ वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। और इसका बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि इसके जरिए वास्तविक ड्राइवर का ही लाइसेंस बनेगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो टेक्नोलॉजी में ये अच्छा अपडेट है। चलिए अगला अपडेट है स्पोर्ट्स न्यूज को लेकर, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 5वीं सीरीज जीत ली है, 4थे वनडे में 3 विकेट से हराया है। चलिए अगला अपडेट है, अनिल कपूर ने 400 बच्चों को एक साथ सिखाया कपड़े धोना, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अनिल कपूर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चलिए अगला अपडेट है, रेडमी बुक लैपटॉप के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं और मिल सकती है 14 इंच स्क्रीन और 8GB RAM। जी हां, इस तरह की न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ने पूरी कर ली है 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, हासिल की एक और उपलब्धि। जी हां, ट्रेन 18 जिसका नाम है उसने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा हमारे देश में पूरी कर ली है, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, HDFC बैंक के डेबिट कार्ड पर मिल रहा शानदार गिफ्ट और कैशबैक, 90 दिनों के बाद डेबिट कार्ड में भेजा जाएगा कैशबैक पॉइंट के रूप में, जो आपको फायदा मिलेगा वो। और ये ऑफर चल रहे हैं दोस्तों 30 जून 2019 तक, आप भी अलग अलग जगहों पर HDFC बैंक के अलग अलग ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और 1000 रुपए तक का कैशबैक फायदा पा सकते हैं। ओके चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दिल्ली में चुनाव के बाद बढ़ेगा ऑटो का किराया, हर किलोमीटर पर 1.5 रुपए ज्यादा देने होंगे। जी
हाँ, ऑटो किराए से जुड़े इस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है, पेट्रोल पंप की तरह खोलिए अपना ई चार्जिंग स्टेशन, यह विदेशी कंपनी देगी मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार करें तो आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। दरअसल जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेनासोनिक देश के 25 शहरों में 1,00,000 स्ट्रॉन्ग चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में है, और ऐसे में ज्यादा अपडेट आप ऑफिशियल पेनासोनिक की वेबसाइट पर देख पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों देश में आप भी इलेक्ट्रिक पंप लगा करके अपना खुद का कारोबार बिजनेस शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जब भी पेनासोनिक कंपनी की तरफ से ये फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन निकाले जाएंगे, तो हम आपको तुरंत DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट दे देंगे। ओके, चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है चारकोल टूथपेस्ट, हो जाए सावधान नहीं तो। जी हाँ, हाल ही में ब्रिटिश डेंटल जनरल ने एक प्रकाशित रिपोर्ट में ये खुलासा किया दोस्तों कि दांतों को चमकाने और सफेद बनाने वाले चारकोल टूथपेस्ट वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तो आप भी जरा सावधान रहें। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भाभी जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक 10 ग्राम सोने का सिक्का जिसके ऊपर लिखा होगा DLS न्यूज का लोगो लिखा हुआ होगा, और आप जीत सकते हैं चमचमाता हुआ एक 10 ग्राम गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का। तो जल्दी से लिख डालिए इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यही फिनिश होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें, काम की खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।